हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम प्रकाश मेहरा के दोबारा डायरेक्ट की गई फिल्म भाग मिल्खा भाग की। यह फिल्म 12 जुलाई 2002 को रिलीज की गई थी। इस फिल्म का बजट 410 मिलियन रखा गया था। अब हम बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2.1 बिलियन रहा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 8.2 रही और ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अब हम बात करते हैं फिल्म के गानों की, तो इस फिल्म में टोटल 7 गाने रखे गए थे। इन गानों की टोटल लेंथ 26 मिनट थी। इस फिल्म के गाने कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। अब हम बात करते हैं फिल्म के कुछ अननोन फैक्ट्स की, तो ये फिल्म मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित है। मिल्खा सिंह ने इस फिल्म के लिए महज 1 रुपए चार्ज किया। वो बात अलग है कि मुनाफे का एक शेयर मिल्खा सिंह के ट्रस्ट को जाता है। इस फिल्म में काम करने के लिए दो और कलाकार उतावले थे, वो थे सोनम कपूर और ओम प्रकाश मेहरा। इन्होंने भी इस फिल्म में फ्री में काम किया और चार्ज के तौर पर सिर्फ 1 रुपए चार्ज किया। मिल्खा सिंह के रोल के लिए फरहान अख्तर को मिल्खा सिंह के बेटे ने सिलेक्ट किया था। मिल्खा सिंह ने शूटिंग के दौरान फरहान अख्तर को अपने स्पोर्ट्स शूज गिफ्ट किए थे, जो उन्होंने रोम ओलंपिक में पहने थे। तो ये बात हुई फिल्म भाग मिल्खा भाग की। अगली बार आप कौन सी फिल्म के अनोन फैक्ट जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।